सर जो यहाँ के पटना में आयोजना किया गया है और इस आयोजना में विशेष रूप से आदरणीय पिंकू सर और इस कार्यक्रम में उपस्थित नेपाल भारत का ही सिर्फ नहीं नेपाल का भी गौरव और शान पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन रंगाजी जी और हमारे साउथ एशिया दक्षिण एशिया मुस्लिम दुनिया विकास परिषद के अध्यक्ष उमेश माझी जी और गजेंद्र माझी जी लगाए जितने भी हमारे विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे समुदाय के अगुवा और समाज सेवी को मैं पंचुलन माझी की तरफ से और मेरे नेपाल की तरफ से हार्दिक अभिवादन करना चाहता हूँ। हालांकि हम लोग का देश फर्क है, भाषा फर्क है, पर हम लोग का जो जाति है एक है, हम लोग का जो समस्या है वो भी एक है, और हम लोग का जो सोच है वो भी एक है, और उसी एक के वजह से हम लोग साथ साथ एक साथ चले जा रहे हैं। और इस तरह हम लोग भी नेपाल में इस बीच दौरान में बहुत सारे कार्यक्रम किए जिसमें भारत का प्रतिनिधि भी जाकर अपना बहुमूल्य विचार वहां पर देकर आए, उससे हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक मैं नेपाल के बारे में कहने से पूर्व मैं जानकारी करना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो रास्ता हमने नहीं बनाया है, हमारे से भी बहुत आगे बहुत बुद्धिजीवी समाज से भी लोग ने वो रास्ता बनाकर गए हैं जिसका नाम है तो चंदेश्वर सदा रामस्वरूप और यहीं पर बैठे हुए हमारे तेज नारायण जी भी हैं और उससे भी गुमनाम विभिन्न कारण से अपना पहचान नहीं दिखा रहे विनोद सर भी है जिसका चर्चा परिचर्चा नेपाल में बहुत सारे जगह पर होता रहता है। आज मैं यहाँ पर हूँ तमाम व्यक्तियों की दी शिक्षा उनकी दी निर्देश के बोझ यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज मैं यहाँ से उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो समय दिया है वो समाज के परिवर्तन के लिए व्यर्थ नहीं जाएगा, रंग लाएगा और रंग लाया है। और नेपाल की जो अवस्था देखी जाए तो जो हमारे गवर्नमेंट का सेंसस का रिकॉर्ड है उससे हम लोगों को 2,34,000 का जनसंख्या में दिखाया जाता है, लेकिन हम उस सब दावी कर रहे हैं कि हम लोग 2,34,000 नहीं हम लोग 12,00,000 है, जिसका प्रमाण भी हम लोग एक जिले में जब सर्वे किए तो जो सरकार का सेंसस रिकॉर्ड कहता है उससे 3 गुना ज्यादा हम लोग जनसंख्या पाए। उस हिसाब से आज भी हम लोग कह सकते हैं सरकार को कि हमारा जनसंख्या कहीं ना कहीं वो लोग लुका रहा है, दिखा नहीं रहा है, छिपा रहा है। और आपको जानकारी कर दूं कि हमारे नेपाल में अगर डॉक्टर के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक 2 ही डॉक्टर है, इंजीनियर के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 1 ही इंजीनियर है, अगर जागीर में देखा जाए तो अभी निजामती जो सरकारी जागीर होता है नेपाल का वहाँ पर सिर्फ 1 महिला और महिला के हिसाब से 1 महिला अभी तक पहुँचा हुआ है। मतलब ओवरऑल देखा जाए सिनारियो तो आपको भारत से बहुत पीछे है नेपाल का, जो हमारे मुस्लिम समुदाय की अवस्था है वो बहुत पीछे है, लेकिन पीछे है लेकिन हम लोग अब सूखे हुए नहीं हैं, हम लोग अब उठ चुके हैं और उठ कर हम लोग आगे बढ़ने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं जिसका बहुत सारी बात है वो रखने जा रहा है। खास में देखा जाए तो जब हम लोग ने एक सेमिनार किया था जनकपुर में साउथ एशिया नेटवर्क का सेमिनार जिसमें हमारे उमेश माझी सर भी गए थे, आज भी उनका दिया हुआ विचार आज भी मेरे पास है और आज गर्व से मैं जानकारी करना चाहता हूँ उमेश सर को कि इस साल ही उन लोगों का मेहनत की वजह से इस साल 5 सरकारी जागीर में और 60 जो है नॉन प्राइवेट जागीर में मुझसे 30 साल गए और आशा है आने वाले दिन में अगर हम लोग का संघर्ष और साथ आप लोग का आशीर्वाद और रास्ता निर्देशन मिले तो और एक चीज हम लोग बरकरार रखेंगे, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और शिक्षा की जहां तक ये बात आता है तो हम लोग शिक्षा में एकदम जोर जोर से लागे हुए हैं, वहां पर एक भगवत नाम का संस्था है जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजना किए थे सर भी गए थे पिछले साल जब हम लोग नेपाल भर में भी जितने SE का एग्जामिनेशन बोर्ड होता है मैट्रिक बताएगा जो पास किए थे लड़का लड़की लोग उन सारे को बुलाकर सम्मान किए थे जिसमें हमारे
से आदरणीय संतोष सर भी गए थे वहां पर अतिथि के रूप में, बहुत अच्छी तरह से उन सारे विद्यार्थी को मोटिवेट किए थे। और पिछले साल के तरह इस साल हमारे शिक्षा की स्तर बढ़कर पहले हम लोग जब सम्मान किए तो 154 टोटल थे, लेकिन इस साल जब किए तो हमारे वहाँ पर बैठकर 174 लोग इस साल के मैट्रिक पास किए हैं मुसर समुदाय से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ न कुछ परिवर्तन का शुरुआत नेपाल में हो चुका है। तो उस हिसाब से हम लोग शिक्षा में एक तो जो मैट्रिक करता है उसको सम्मान सहित जो उस शिक्षा पढ़ना चाहता है 11th 12th पढ़ना चाहता है तो उसका कैंपस का जितना भी फी होता है हम लोग वो सपोर्ट करते हैं, जैसे विभिन्न व्यक्ति से मांग कर उस विद्यार्थी तक पहुंचाते हैं ताकि उसको पैसा के कारण से